जय बोलो देवादिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुव श्री विद्या सागर जी महाराज की। एक बार रात्रि के अंतिम पहर में एक व्यक्ति ने एक सपने देखा। सपने में देखता क्या है कि उसे भगवान के दर्शन हुए। अब भगवान ने उससे कहा, यहाँ क्यों पड़े हो, उठो, पूरब दिशा की ओर 3 मील आगे जाओ। नदी के किनारे एक संत की कुटिया है, उसके पास बेशकीमती पारसमणि है, तुम जाओ उसे प्राप्त कर लो। इतना देखते ही उसकी आँख खुल गई, फूला न समाया। एक तो भगवान के दर्शन और दूसरा जन्म भर की दरिद्रता समाप्त होने का उपाय। हर्षित होकर सुबह होने से पहले ही वो उठकर निकल पड़ा, पूरब दिशा में बढ़ा, 3 मील चला, संत की कुटिया दिखाई पड़ी। संत चरणों में वो पहुंचा, उन्हें नमन किया, अपनी ओर से निवेदन किया, आने का प्रयोजन बताया। संत उसके निवेदन पर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बस पारसमणि तो मेरे पास है पर वो यहाँ नहीं, यहाँ से आधा मील आगे वो जो ऊंचा बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, उसके नीचे है, तुम चाहो तो उसे जाकर ले सकते हो। वो सीधे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ के निकट पहुंचते ही उसे चमकती हुई वह पारसमणि दिखाई पड़ी। वो लपक कर उस मणि को उठाया कि तभी उसके मन में एक नया विचार कौन था, ये संत निश्चित महान और असाधारण है, इसके पास पारसमणि से कीमती भी कोई मणि है, तभी तो इतनी बेशकीमती मणि को यूं रख छोड़ा है, और मुझे जब मांगना है लेना ही है तो मैं इसे क्यों लूं, उसे क्यों ना लूं जो इससे भी कीमती है। इस विचार के जगते ही उसके हाथ से वो पारसमणि छिटक कर नीचे गिर गई। वो खाली हाथ संत चरणों में आया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, संत ने उससे पूछा, क्यों मणि ले आए? बोले, गुरुदेव मुझे वो मणि नहीं चाहिए,
गुरुदेव मुझे वो मणि नहीं चाहिए जिसे आप खुले आसमान के नीचे रखते हो, मुझे वो मणि चाहिए जिसे आप छिपा कर सहेज कर रखते हो, मुझे दीजिए तो वो दीजिए। संत मुस्कुराए और कहा, वत्स, यदि वो मणि चाहिए तो बाहर कहीं नहीं मिलेगी। संसार में जितनी भी मणियां हैं, जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं, उनका मूल्य है, पर तू सच्चे अर्थों में कुछ पाना चाहता है तो वह तेरे जीवन का तत्व है जो तेरे भीतर है, और उसे पाने के बाद फिर और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। यदि पाना चाहता है तो उसे पाओ। मैं उसे सहज के रखता हूं और मेरे भीतर के उस तत्व के आगे संसार की सब बातें मुझे निरर्थक सी प्रतीत होती है। उस व्यक्ति के हृदय में एक नई प्रेरणा जगी और उसे समझ में आ गया जीवन की परम उपलब्धि क्या है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप अपने जीवन की उपलब्धि किसे मानते हो? मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, उपार्जित किया, क्या ये हमारी उपलब्धियां हैं? अगर आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ तुम्हारे जीवन की क्या उपलब्धियां हैं, तो आप गिनाओगे, महाराज मैं पढ़ लिख करके ये बना, पैसा कमाया, मेरा ये घर है, मेरा ये मकान है, मेरी ये संपत्ति है, यही सब ना। पर क्या हकीकत में इसे जीवन की उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है? बोलो, नहीं ना। पर हम लगे किस दिशा में, हमारी भागदौड़ किसके लिए है, हमारी आपाधापी किसके पीछे है, हमारी ये भागम भाग और ये रेलम पेल आखिर किसके लिए है? कभी विचार किया? मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पूरी जिंदगी जी लेता है और पूरा जीवन व्यतीत कर देने के बाद भी उसे पता नहीं रहता कि आखिर मेरा जीवन क्या है, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीने का मकसद क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरी जिंदगी की मंजिल क्या है? कुछ तय किया है? कुछ सुनिश्चित किया है कि बस यूं ही जिए जा रहे हैं, सब जी रहे हैं सो हम भी जी रहे हैं? क्या है जीवन का लक्ष्य? हर मनुष्य को विचार कर, थम कर सोचना चाहिए। हम जिंदगी जीते हैं, एक दिन हमारी अंतिम सांस निकल जाती है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है और लोगों को पता लगता है, अरे अभी तक तो सब ठीक था, वो चला गया, थोड़ी देर पहले तो मेरी उससे बात हुई, वो चला गया, कहानी खत्म। जीवन भर मनुष्य जो जोड़ता है वो उसे छोड़ कर जाता है। किसे जोड़ना है, क्या है मेरे जीवन की उपलब्धि? उपलब्धि तभी सही होगी जब लक्ष्य सही होगा, उद्देश्य सही होगा। जीवन की उपलब्धि जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा है। अगर उसे हमने आत्मसात किया तो समझना हमने अपने जीवन में कुछ हासिल किया, बाकी तो सब व्यर्थ है। पर विडंबना यही है कि पूरा जीवन व्यर्थ को सहेजने में व्यर्थ कर देते हैं और जीवन के अंत तक जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते। आज चार शब्दों की बात आप सबसे करूंगा, अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ, चारों शब्द आपके जाने पहचाने हैं। पर मैं एक बड़े छोटे से उदाहरण से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अर्थ का मतलब है प्रयोजन। गाय से दूध दुहाए का अर्थ है, उसका एक प्रयोजन है, दोहन आपने किया। दूध फट गया ये व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है और दूध को जमा कर
नवनीत निकाल कर उससे घृत तैयार करना परमार्थ है। अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें ये जीवन मिला ये अर्थवान है, ये व्यर्थ नहीं है। जीवन का बड़ा मूल्य है, महत्व है, बशर्ते हम जीवन के उद्देश्य को पहचाने। बड़ी कीमती जीवन है। जीवन की का मूल्य मनुष्य को तब पता चलता है जब जीवन खो जाता है। जीते जी जो जीवन का मूल्य समझ लेते हैं उनका जीवन अमूल्य हो जाता है। अपने जीवन के मूलभूत अर्थ को समझिए। ये नरजन्म मुझे किस लिए मिला? केवल पैसा कमाने के लिए? केवल मौज मस्ती के लिए? केवल पदार्थ और पदार्थ जन भोग के लिए, भोग और विलासता के लिए? केवल यश और नाम की कामना के लिए? नहीं, ये जीवन मिला है जीवन के कल्याण के लिए। अगर मनुष्य जीवन को पा करके मनुष्य अपने जीवन के कल्याण की दिशा में कोई कार्य करता है तब तो उसके जीवन का अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। आपको कोई अवसर मिले और आप उस अवसर का उपयोग न करो तो व्यर्थ हुआ कि नहीं? अवसर का लाभ कब है? जब आप उसका प्रयोग करो, यही अवसर का अर्थ है। चांस मिला तो आप उसका लाभ उठाओ। मनुष्य जीवन एक अवसर है, इसका लाभ उठाओ, इसके अर्थ को समझो, जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और जो मनुष्य जीवन पाकर केवल गोरख धंधे में उलझ करके रह जाता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य जीवन पाया और उस मनुष्य जीवन के साथ दुनियादारी जुड़ी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। दुनियादारी होना और दुनियादारी में जीना, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर केवल दुनियादारी में ही उलझ के रह जाना, इससे बुरा और कुछ नहीं है। अपने हृदय में हाथ रखकर सोचो कि मैंने अब तक क्या किया? केवल गोरख धंधा और दुनियादारी तक सिमट कर रहा हूं, अथवा अपनी आत्मा के विषय में भी सोचा हूं, अपने कल्याण के विषय में भी सोचा हूं, अपने जीवन के उत्थान के विषय में भी सोचा हूं? यदि ऐसा कुछ मेरे सोचने में आ रहा है और उस दिशा में मैं कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूं, तब तो कुछ अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। अर्थ को पहचानो, उद्देश्य को जानो, अन्यथा ये व्यर्थ तो होना ही है। मेरी एक एक सांस बड़ी मूल्यवान है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, पर मेरी सांस सार्थक होना चाहिए, व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यदि मैंने अपने जीवन को सही दिशा में नियोजित किया तो मेरे जीवन का कोई अर्थ है, और जीवन को यूं ही खो दिया तो जीवन व्यर्थ है। और जीवन में व्यर्थ के बाद अनर्थ। मनुष्य जीवन को पाकर पाप, पाखंड और दुराचारों में फंसना अनर्थ है। जीवन का दुरुपयोग, अनर्थ तो कभी होना ही नहीं चाहिए और व्यर्थ कुछ खोना नहीं चाहिए। अर्थ को पहचानो और अनर्थ से बचते हुए परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ो। अपने आत्मा के उत्थान की बात सोचो, नर से नारायण बनने का मार्ग अंगीकार करो। देखिए, एक मनुष्य नर से नारायण बनता है तो नर ही नारकी बनता है। एक नर से नारायण बनने का मार्ग है, एक नर से नारकी बनने का रास्ता है। हम पर है कि हम किस पर चलते हैं। यदि सतपथ पर चलते हैं, जीवन को सही अर्थ देते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में परमार्थ घटित होता है, और यही परमार्थ हमें नर से नारायण बनने का रास्ता देता है। और दूसरे रास्ते में गए तो अनर्थ ही है। अपने जीवन में जब कुछ कभी छोटा मोटा अनर्थ घटित होता है, मन व्याकुल होता है, व्यथित होता है, चिंतित भी होता है, मन में कई बार पश्चाताप और दुख भी होता है, अरे
ये सब व्यर्थ हो गया अथवा मुझसे अनर्थ हो गया, ये क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए, सोचते। पर जीवन व्यर्थ हो रहा है या जीवन में कोई अनर्थ हो रहा है, हमसे कोई दूसरा अनर्थ करे हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, पर हम खुद अपने जीवन के साथ अनर्थ कर रहे हैं, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों? अभी जीवन की समझ ही नहीं है। जब जीवन की समझ होगी तभी आप अपने आप को अनर्थ से बचेंगे और जीवन को अर्थ दे सकेंगे। एक राजा, उसे अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसके चार पुत्र थे। उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और 10,000 रुपये दिए, कहा इन 10,000 रुपयों में ये चार अलग अलग महल हैं, इनको भरना है। जो महल को पूरी तरह भरेगा, अच्छे से भरेगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। अब चारों ने दिमाग लगाया, क्या करें। एक ने सोचा अब तो सब भाग्य का ही खेला होगा, 10,000 रुपये में इतना बड़ा महल कैसे भरेगा। उसने 10,000 रुपये सट्टे में लगाया, सोचा भाग चल जाएगा तो ठीक है, और नहीं चला तो जो होगा सो होगा। उसने सट्टे में 10,000 लगाए और दांव चूक गया, गांठ से सब चला गया। दूसरा थोड़ा कैलकुलेटिव था, उसने सोचा क्या किया जाए, तो उसने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वालों से बात की और सोचा सबसे सस्ता क्या होगा, कचरा। तो बोला एक काम करो, 10 दिन में हमें महल को भरना है, 10 दिन पूरे शहर का कचरा आप इस महल में भर दो, कचरा भर दो महल में। ठीक, कचरा भरा, सोचा हमने काम कर लिया, महल ठसाठस भर गया। तीसरे ने बहुत दिमाग लगाया कि 10,000 रुपये में महल को कैसे भरा जाए, तो बाजार में गया, उसने 10,000 रुपये में रुई के बड़े बड़े बोरे खरीदे और रुई से अपने महल को भर दिया, रुई के बोरियों से हर कक्ष को भर दिया, हर कक्ष में रुई के बोरे मिले। चौथा बहुत समझदार था, उसने कहा कि पिता ने अगर 10,000 रुपये दिए हैं और महल को भरने की बात की है तो जरूर इसमें कोई रहस्य होगा, और वो उसी उधेड़बुन में लगा कि आखिर 10,000 रुपये को कैसे सार्थक किया जाए और महल को किस भांति भरा जाए। उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आया। 9 दिन बीत गए, 10वें दिन रिजल्ट खुलना था। 9वें दिन शाम को भगवान के मंदिर में गया, मंदिर में अंधेरा था, तभी उसकी माँ आई, मंदिर में दीप जला, प्रकाश फैला और एक प्रकाश उसके हृदय में फैल गया। उसने भगवान को नमन किया और रास्ता पा लिया। अगले दिन पिता ने चारों बेटों को बुलाया, पूछा क्या हाल है, महल भर गया। पहला मुंह लटकाए खड़ा था, बोला क्या करूं पिताजी, भाग्य ने साथ नहीं दिया। बोले क्या हो गया, बोले सोचा 10,000 में काम कैसे चलेगा, कुछ कमा लूं,
तो मैंने सट्टे पे लगा दिया, गांठ का पैसा चला गया। बोले तू क्या सट्टे में लगाया? बोले हाँ सट्टे में लगाया। बोले तूने अनर्थ कर दिया। दूसरे से पूछा तूने क्या किया? बोले चलिए पिताजी महल ठसा ठस भरा है, तिल रखने की जगह नहीं। अब महल के निकट गया तो दूर से ही रुमाल लगा रहा पड़ा, इतनी बदबू। और दरवाजा खोला तो कचरा एकदम ढेर, कचरे का ढेर गिरा। राजा को पीछे हटना पड़ा, फिर भी उसके कपड़े खराब हो गए। बोले ये क्या किया? बोला पिताजी 10,000 में इससे सस्ता क्या होगा, 10,000 में इससे सस्ता क्या होगा। बोले बस तू यही कचरा भुला, तूने व्यर्थ कर दिया। ये कचरा भरने के लिए थोड़े मैंने पैसे दिए थे। तीसरे से पूछा, खोला महल, देखा हर कक्ष में रुई के बोरे पड़े थे, एक एक कक्ष भरा था। पिता ने देखा, बोला बेटा तूने कमरों तो भर दिए लेकिन इसकी उपयोगिता नहीं दिखी। उसे कोई खास संतुष्टि नहीं हुई। चौथे को बुलाया, बोले क्या तूने महल भर दिया? बोले पिताजी चले आप जब पहुंचेंगे पूरा महल भरा मिलेगा। गया देखा महल एकदम खाली। उसे कक्ष खोला तो कक्ष में कुछ नहीं, एक तरफ एक टेबल थे जिसमें भगवान की एक तस्वीर, एक दीप और एक अगरबत्ती का पूड़ा। पिता ने कहा यहां तो कुछ नहीं है। बोले पिताजी बस 2 मिनट का वक्त दीजिए। उसने पिता से कहा कि पिताजी ये दीप जला दे। पिता ने दीप जलाया, पूरा महल प्रकाश से भर उठा। उसने अगरबत्ती जलाई, पूरा महल सुवास से भर उठा। बोला पिताजी मैंने आप देखिए पूरा महल प्रकाश और सुवास से भरा है कि नहीं। पिता ने उसे अपने छाती से लगा लिया। बोले आपने 10,000 बहुत दिए, मैंने 10 रुपये में काम कर लिया। पिता ने कहा बेटा तूने परमार्थ कर लिया, मुझे तुझसे ही उम्मीद थी। बस यही परमार्थ है। क्या कर रहे हैं? जीवन को दांव पे लगा रहे हैं, विषयों के दांव पे लगा रहे हैं, ये अनर्थ है। केवल पाप पाखंड में लगे हैं, ये जीवन व्यर्थ है। भोग विलासता में लगे हैं, गोरख धंधे में लगे हैं, ये व्यर्थ है। और केवल रोजी रोटी के जुगाड़ में ही अपना जीवन बिता रहे हैं तो इसका कोई संतुष्टि परक अर्थ नहीं है। नर भव पाकर नर करनी कर रहे हैं तभी परमार्थ है। नर करनी करे आगे बढ़े, जीवन को उन्नति के रास्ते पर लेकर चलने का उपक्रम करे। क्या कर रहे हैं समीक्षा कीजिए, अब तक मैंने क्या किया, क्या क्या चीजें हैं जिसे मैं अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में अंकित कर सकता हूं कि ये काम मेरे जीवन की एक विशिष्ट उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता है। 2-4 काम, 2 पल के लिए। देखिए हमारी मौत तो कभी भी आ सकती है, किसी का कोई ठिकाना है क्या? बैठा बैठा इंसान भी चला जाता है। कब स्विच ऑफ हो, लाइन कट जाए, कोई भरोसा नहीं। कब बत्ती गुल हो जाए, कोई पता नहीं। कभी भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूं 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि अभी इसी क्षण मेरी मृत्यु होती है तो क्या मैं अपने जीवन को सार्थक करता हुआ जाने का एहसास कर पाऊंगा? आंखें बंद करके थोड़े सोचिए। क्या झलका? शायद रिक्तता होगी, खालीपन होगा। और ये उम्र के हर पड़ाव में यही होता है क्योंकि हमने अपने जीवन की दिशा ही तय नहीं की। हर पल मृत्यु का एहसास कीजिए तभी जीवन रास्ते पर आएगा।
कोई भी पल मेरे जीवन का आखिरी पल हो सकता है, कोई भी सांस मेरी जीवन की आखिरी सांस बन सकती है, क्या पता कब मेरी अंतिम सांस निकल जाए और मेरी अर्थी उठ जाए। अर्थी उठने के बाद क्या होगी, चिता सुलगेगी और क्या होगी। संत कहते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे अपने जीवन के परम अर्थ को जान लो, इससे पहले कि तुम्हारी चिता जले अपनी चेतना को जगा लो। अर्थी के उठने से पहले जीवन का अर्थ जानो, चिता के जलने से पहले अपनी चेतना को जगा लो। जिसने जीवन का अर्थ जान लिया वो अर्थी उठने के बाद भी आनंद में जिएगा, वो उसका भी साक्षी बनता है। और जिसकी चेतना जाग गई वो जागृत चेता आदमी यहां रहे चाहे वहां, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमार्थ की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। कब हमारा अंत हो को पता नहीं। हम लोग नोबल पुरस्कार के बारे में सुनते हैं, नोबल क्या नाम था, मैं उसका नाम पूरा भूल रहा हूं, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल के विषय में मैंने पढ़ा, वो पहले डायनामाइट का आविष्कारक था। एक बार उसके मन में आया कि मैं डायनामाइट का आविष्कारक हूं, अगर मैं मर जाऊंगा तो लोग मुझे किस रूप में जानेंगे। इस विचार से प्रेरित होकर उसने एक विज्ञप्ति जारी करवा दी फेक कि अल्फ्रेड नोबल मर गया। समाचार प्रकाशित हो गया, अल्फ्रेड नोबल मर गया। और जब वो समाचार अल्फ्रेड नोबल के मरने की बात फैली तो अखबारों की हेडलाइन बनी, मौत का सौदागर सदा को सो गया। मौत का सौदागर सदा को सो गया। अल्फ्रेड ने जब वो समाचार पढ़ा तो उसकी आत्मा हिल गई कि धिक्कार है मुझे, इस दुनिया से मैं जाऊंगा तो मौत के सौदागर के रूप में जाना जाऊंगा। अब मुझे दिशा बदलनी है। और तब उसने सारी संपत्ति को अच्छे कार्य में लगाया, पारमार्थिक कार्य में लगाया और नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई कि मौत के सौदागर के रूप में नहीं, शांति के दूत के रूप में हमारी पहचान होनी चाहिए। चेतना जग गई। मरना तो ऐसे भी था, लेकिन मरने से पहले जिसकी चेतना जगती है वो मरकर अमर हो जाता है, और जितनी जिसकी चेतना सोई हुई होती है वो जीते जी भी मुर्दा है। जीते जी भी मरने के समान है, मरे के समान है। अपनी चेतना को जगाओ। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, वो मर गया, वो मर गया यानी बूढ़ा होकर पूरा हो गया। हाइकू तीन लाइन की कविताएं होती है, बड़ी शुद्धात्मक शब्द में, जिसमें पांच अक्षर, सात अक्षर और पांच अक्षर होते, कुल माने कुल 17 अक्षर की कविता में बहुत गहरा अर्थ निकलता है। वह मर गया, वो मर गया यानी बूढ़ा होकर पूरा हो गया। तो कब बूढ़ा हो गया और कब पूरे हो गए कोई पता नहीं है, इसलिए अपने जीवन को पूर्ण होने से पहले, जीवन की सांसें समाप्त होने से पहले जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। वो दिशा एक बार निश्चित हो गई तो फिर हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं होगी। अपनी चेतना को जगाइए, आगे बढ़िए। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति एक ऐसे प्रदेश में जा पहुंचा जहां राजा के उत्तराधिकारी के चुनाव का दिन था, और वहां के चुनाव की प्रक्रिया आज की तरह मतदान प्रणाली से नहीं थी,
वहां किसी भी राजा का चुनाव हस्तिपट बंधन विधि से होता था। हस्तिपट बंधन क्या होता है? हाथी को माला दे दी जाए और हाथी जिस व्यक्ति के गले में वो फूल माला पहना दे उसे राजा बना दिया जाए। वो एक नए देश प्रदेश देश में पहुंचा और संयोगतः हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। वहां का राजा घोषित हो गया। एक पल को वह भी बड़ा आनंदित हुआ कि आह कितना बड़ा राज्य मुझे मिल गया। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वहां के कानून को बताया गया, राजपुरोहित ने मंत्रोच्चार पूर्वक शर्तें बताई कि आज से आप इस नगर के राजा हो, 5 साल का राज्य आपको प्राप्त होगा और 5 साल के बाद आपको इस राज्य से बाहर निकलना होगा, नगर की सीमा से बाहर निकलना होगा। वो थोड़ा स्तब्ध रह गया, सकते में आ गया, क्योंकि इससे पहले जितने भी राजा आए 5 साल तक राज्य किए और राज्य की अवधि पूरी होने के बाद नगर की सीमा से लगी नदी के किनारे उसे छोड़ दिया जाता था और मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी उस नदी में वह उनका ग्रास बन जाता था। अब इसे भी लगा कि अब तो क्या हुआ, मुझे राज क्या मिला, 5 साल के लिए जीवन कैद हो गई, बच अब इससे कुछ नहीं होगा, क्या करे। लेकिन वो बहुत समझदार था, उसने कहा 5 साल कम नहीं होता, ठीक है मैं देखता हूं। उसने 5 साल में जो राज किया, इतना अच्छा सुशासन कि वो नगर पर ही नहीं जनता के दिलों पर भी राज आ गया। एक एक व्यक्ति के लिए वो राजा नहीं, राजा के रूप में भगवान बन गया, क्योंकि इससे पहले अतीत के इतिहास में ऐसा कोई राजा नहीं था। हर किसी का चहेता, लोग उसके पीछे अपने प्राण छिड़कने को तैयार। जैसे जैसे अवधि खत्म होने को हुई, लोगों के मन में चिंताओं की लकीरें उत्पन्न होने लगी। अब वो लोग घबराने लगे कि अब हमें अपने प्राण प्यारे राजा को खोना होगा, अब अपने प्राण प्यारे राजा को खोना होगा, क्या उपाय, कोई उपाय नहीं दिखता। लेकिन राजा निश्चिंत अपने काम में मगन, लोगों के लिए भी कोई उपाय नहीं था, सबके सब कानून से बंधे थे, वहां का कानून ही ऐसा था। 5 साल की अवधि जिस दिन पूरी हुई, राजा को सारी प्रजा ने हाथी पर बिठाकर अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई दी। नदी के तट पर राजा को हाथी से उतारा गया और वहां के कानून को का हवाला देते हुए कहा, इस राज्य के कानून के अनुसार 5 साल की अवधि के लिए आपको राज्य मिला था, आपका समय पूर्ण हो गया, अब आप नगर में वापस नहीं जा सकते, ये आपकी अंतिम विदाई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य के कानून का पूर्णतः सम्मान करता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं भी यह सुनिश्चित करता हूं इस पार मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं बचा, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, मेरे लिए इस पार अथवा उस पार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, सब लोग देखते रह गए, क्योंकि नदी में एक बढ़िया पुल बना था और उस पार नगर बसा था। राजा पांव पैदल चलकर इस पार से उस पार चला गया और जब राजा उस पार गया तो पूरी प्रजा भी उस पार चले गई और हमेशा हमेशा के लिए सबकी सुरक्षा हो गई। कहानी आप लोगों को रोचक लगी, लगी कि नहीं लगी? ये कहानी काल्पनिक है लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है, कथ्य बड़ा सत्य है। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये 5 साल के राज्य की भांति मिला है। इस मनुष्य जीवन को पाकर इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ व्यवस्था कर ले। अगर अभी हमने व्यवस्था कर ली तब तो ठीक, नहीं तो फिर नरक निगोद के मगरमच्छों और घड़ियालों का शिकार तो बनना ही पड़ेगा। दुख और दुर्गति से अपने आप को बचा पाना असंभव सा हो जाएगा।
इसलिए इस पार से उस पार की बात सोचो, एक पुल बनाओ। ये धर्माचरण और कुछ नहीं, उसी पुल के निर्माण की पुख्ता प्रक्रिया है। है कोशिश? अरे अभी तो 5 साल पड़े हैं, फिर क्या, अभी तो राज भोग लो, बाद में क्या भोगोगे? राज भोगो नहीं, राज योग बनाओ, ताकि इस पार भी रहो और उस पार भी रहो। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां बड़ी सार्थक है। दीर्घ देख जहां तक पाता हूं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तट पर के हलकोरों से, एकाकी जब पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। कभी सोचा, कल्पना की? इस पार का तो तुमने पूरा ख्याल किया है, उस पार के लिए क्या है? उस पार के लिए क्या है? जो पारमार्थिक उपलब्धियां है वही उस पार की उपलब्धि है, बाकी सब की सब व्यर्थ है। इसलिए हम अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, अपितु व्यर्थ को अर्थ देने की कोशिश करें। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ दो, यहां तो अर्थ को ही व्यर्थ कर रहे हैं और अनर्थ हो रहा है। यह जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, भुलावा है, छल है, इससे बचना चाहिए। अपने जीवन के प्रति जागरूक बनिए। ये नरभव बहुत कठिनाई से मिला है, ये बार बार नहीं मिलना। जैसे कोई रत्न किसी सागर में डाल दो तो दोबारा उसे पा पाना असंभव जैसा है, वैसे एक बार हमने नरभव खो दिया, इसे दोबारा पाना असंभव जैसा है, बहुत कठिन है। काश हम इसकी दुर्लभता का एहसास करते और अपने जीवन के पथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते तो हम अपने जीवन की उन्नति कर सकते थे। इसलिए पुल बनाने की योजना हमें बताना है। एक दिन तो जाना, ये तो तय है ना? बोलो, ऐसा तो नहीं कि अजर अमर बन के आए हो अंबिकापुर वाले, है क्या? कोई नहीं, राजा हो या रंग, सबको जाना होगा, है ना? एक दिन तो जाना होगा। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए, जंजीर कहते ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर। माने क्या हुआ? जो आया उसको जाना है, जाना तय है, इसमें कोई संशय नहीं। तय केवल इतना करना है कैसे जाना है। पुण्य की सिंहासन पर आरूढ़ होके जाना है या पाप की जंजीरों से जकड़ कर जाना है, तय केवल हमें यह करना है। अगर हमने जीवन को सही दिशा दी, जीवन के अर्थ को समझकर परमार्थ में अपनी बुद्धि को नियोजित किया, तो समझना हम सम्राट बन गए। और जीवन में अनर्थ किया या केवल गोरख धंधे में उलझ कर रह गए, तो समझना हमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, अब हमें भिखारी बनना होगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बहुत सुंदर हाइकू है। जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो।
अंदर से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। जोड़ने में मत लगो, जो तुम जोड़ रहे हो उसे छोड़ो, क्योंकि एक दिन सब छूटना है। जिसे जोड़ने के पीछे तुम इतना जोड़ घटाव कर रहे हो, सब छूट जाएगा। तुम्हें जुड़ने की बात करनी है, जोड़ने की नहीं। और जो जोड़ा है उसे छोड़ो, और यदि जोड़ना भी है तो उसे जोड़ो जो बेजोड़ हो, जिसका कोई मूल्य नहीं, जो तुम्हारे साथ हो, जिसे कोई तोड़ ना सके, उसे जोड़ने की कोशिश करो। जब हम उसे जोड़ने का उपक्रम करेंगे तो हमारे जीवन का कोई अर्थ होगा। इसलिए जुड़ो न जोड़ो, जोड़ो छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। उस बेजोड़ को जोड़ने में ही हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। सभी अपने जीवन के परमार्थ को जानकर जीवन को सही दिशा में नियोजित करें। इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुव श्री विद्यासागर जी महाराज। रमो हरिहंताणम्, रमो सिद्धाणम्, रमो आयरियाणम्, रमो वज्रायाणम्, रमो लोये सर्वशाहूनम्, एसो पंचणमयारो, सर्व पाव प्रणाशिनो, मंगलारं च सबेसिम, पढ़मं होइ मंगलम्। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुव श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक आदमी अपना घर बना रहा था। घर बनाने के लिए दीवार उठाता, और दीवार है कि 2-4 फुट उठती और ढह जाती थी। काफी दिनों से वो परेशान था, उसका मकान बन नहीं पा रहा था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ और उसने अपनी व्यथा उस संत के समक्ष रखी। गुरुदेव, बहुत दिन से परेशान हूं, मेरा घर नहीं बन पा रहा है, आखिर मेरा घर क्यों नहीं बन रहा है? संत ने उसके मकान को देखा, दीवार को देखा और कहा कि तुम दीवार तो उठा रहे हो, पर यह बताओ इसकी नींव किधर है? तुम दीवार तो उठा रहे हो पर यह बताओ इसकी नींव किधर है? उसने कहा, गुरुदेव लोग बड़े बेवकूफ हैं जो अपना बहुत सारा पैसा और समय उस नींव में लगा देते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। मैं अपना घर बनाऊंगा और बिना नींव के बनाऊंगा। संत उसकी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी अज्ञानता पर, और तुमसे भी ज्यादा लोगों की अज्ञानता पर। तुम अपना घर बिना नींव के बनाना चाहते हैं और लोग अपना जीवन बिना नींव के उठाना चाहते हैं। जैसे किसी घर के लिए, महल के लिए नींव की जरूरत है, वैसे ही हमारे जीवन के विकास और स्थिरता के लिए धर्म की जरूरत है। धर्म के अभाव में, धर्म निष्ठा के अभाव में हमारा जीवन टिक नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए हमारी संस्कृति में धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की गई कि अपने जीवन में स्थायित्व लाना चाहते हो तो धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दो।
जीवन में धर्म है तो जीवन की सलामती है, और धर्म विहीन मनुष्य के जीवन में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म भाव को धारण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देव, शास्त्र और गुरु हमारे धर्माराधन के मूल आधार स्तंभ है, और यही कारण है कि हमारे पुरखों ने जहाँ भी अपना निवास बनाया, भगवान का मंदिर बनाया, धर्मायतन बनाए, क्योंकि उनके आश्रय से हम धर्म की भावनाओं को पुष्ट कर सके, धर्म का आलंबन ले सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। आज अंबिकापुर में हमारा पहली बार आगमन हुआ, छोटी सी समाज है पर भावनाएं बड़ी दिख रही है। आप लोग ऐसे भाग्यशाली हो कि ऐसे स्थान पर बसे हो कि यहाँ साधुओं का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन होता प्रायः यही है कि आना और जाना ही लगा रहता है, बीच में कुछ विशेष नहीं मिलता। फिर भी मन की उमंग हमारे लिए बहुत कुछ उपलब्ध करा देती है। अपने अंदर की भावनाओं को ऐसे ही बना के रखना चाहिए। साधु संतों का जब समागम मिलता है तो उससे हमारी धार्मिक भावनाएं और ज़्यादा उद्दीप्त होती है, पुष्ट होती है, मन में एक अलग प्रकार की प्रेरणा, उत्साह और उमंग प्रकट होता है। ये उमंग जीवन की स्थायी निधि बनी रहनी चाहिए। हृदय में अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है, और वह श्रद्धा छूट जाए तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए उस श्रद्धान को मजबूत बना करके चलना चाहिए, और एक ही बात अपने मन में गांठ बांध करके रखें कि हे भगवान, मुझे अपने जीवन में सदैव देव, शास्त्र और गुरु का समागम मिलते रहे, और मेरी धर्म की श्रद्धा दिनों दिन बलवती हो, जिसके बल पर मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं और अपने जीवन का कुछ अच्छा कर सकूं। एक संयोग है कि आपके यहाँ आए हैं, आज तो अभी आना ही हुआ है, लेकिन आप लोगों से इतना ही कहते हैं कि ये भावनाओं को उत्तरोत्तर बढ़ा कर रखना चाहिए। हम जैसे खंभे हैं, बच्चों को आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, बचपन में शायद किया भी होगा, बच्चे खंभे पकड़कर गोल गोल चक्कर लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते, और जब खंभे पकड़कर चक्कर लगाते हैं तो जब तक खंभे को पकड़े रहते हैं चक्कर आता है क्या? नहीं आता। खंभा पकड़कर बच्चे चक्कर लगाते हैं, जब तक खंभे को पकड़े रहते हैं कोई चक्कर नहीं आता, और खंभा से हाथ छूटते ही सिर चक्कर खाकर गिर जाता होता है ना, सिर चकराने लगता है। बस मैं इस अनुभव के आधार पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया का जितना चक्कर लगाना है लगाओ, धर्म के खंभे को पकड़े रहो, कोई चक्कर नहीं आएगा। उसको पकड़े रहो, उसको मत छोड़ना, उसे छोड़े तो गए, जीवन सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए धर्म की श्रद्धा को बलवान बनाना हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। हमारी प्राथमिकताओं में धर्म, धार्मिक कर्तव्य और आचरण बने रहना चाहिए। मनुष्य धन कमाता है, वो खो जाए, दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन धर्म निष्ठा अगर एक बार चली गई तो उसे दोबारा जगह पाना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं आप लोग कितना भाग्य है, लेकिन आप लोग भाग्यशाली ही है, तय है, ये संयोग तो मानकर चलना चाहिए। जब हम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए तब से अंबिकापुर वाले बाउंड्री सीमा पर ही आ गए थे, एकदम बॉर्डर पर ही आ गए थे, लेकिन इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इधर आने का योग होगा, लेकिन कैसा पुण्य उछाल मारा कि आप पूरी गाड़ी वापस लौट करके आ गई है। हम लोग एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, इसी भाव के साथ कि मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, और देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग, ये भावना अपने मन की बनाए रखे और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करे। यहीं पर विराम, बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो।